हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं युगांडा कंपाला में एंटीबे बालाजी टेंपल, जो कि काफ़ी अच्छा बना है यहाँ पे। तो यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये काफ़ी ऊंचाई पे, तो लगता है कि हम लोग ऐसे वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो मैं आपको बालाजी का व्यू दिखाती हूँ। तो हमारे बालाजी का व्यू है, और यहाँ पे जो आप ये खेती देख रहे हो ना, ये शायद गुलाब की खेती होती है। तो काफ़ी दूर पे है, और अभी तो थोड़ा धूप है, पर यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा आता है। अगर यहाँ पानी वगैरह बरसे तो यहाँ हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा, ये काफ़ी ऊपर चढ़ के है, तो मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। मैं सच कहूँ ना तो मुझे यहाँ आके ना ये नहीं लगता कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो और खाली फैमिली की याद आती है। वैसे यहाँ पे सब कुछ हमें मिल जाता है, टेम्पल है, और यार ब्यूटीफुल टेम्पल देखो, ऐसे इतना सुंदर यार, और कितना कलरफुल है ये। पर मैं यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ, तो मुझे और ये हमारा यहाँ का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे टेम्पल में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ आप एवरी संडे आओगे ना तो आपका महाप्रसादम जरूर रहता है। और संडे आपका बाहर जाने का मत होना, तो आप ये टेंपल आओ, यहाँ दर्शन भी हो जाते हैं, प्लस यहाँ का जो भंडारा है संडे का वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आज हम लोग बालाजी ना काफ़ी जल्दी आ गए थे, 10 बजे तक आ गए थे। तो यहाँ पर ना यज्ञ और हवन हो रहे थे, तो हम लोग हाफ एन आवर यहाँ पर टेंपल में भी बैठे। और इस टेंपल के अंदर ना पिक लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर से ही पिक ले लिया। जब आप बालाजी जाओ ना तो अपनी गाड़ी से जाओ या उबर बुक करके जाओ, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत रिस्की भी है, और ये हमें ना ऊपर नहीं लेके आते, नीचे छोड़ के चले जाते हैं, जिससे ना हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें ऊपर पैदल आना पड़ता है। और इसके बाद हम लोग पेलिकन लॉज भी गए थे, वहाँ हमारे साथ हुआ प्रैंक। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हमारे साथ प्रैंक क्यों हुआ और लोकल ट्रांसपोर्ट इतना रिस्की क्यों है। यह है बालाजी टेम्पल की इनसाइड पिक, और यहाँ पर ना पिक लेना अलाउ नहीं है। और ये टेम्पल आज इसलिए अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पेंट वगैरह हुए हैं, तो इसका लुक ही बहुत औसम आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिएगा, ये अभी ये लोग पेंट कर रहे हैं। और ये टेम्पल के ना बैक साइड का व्यू है, और यहाँ पे ना लक्ष्मी जी का भी टेम्पल था, पर इन्होंने अभी हटा दिया है, लक्ष्मी जी को टेम्पल के अंदर स्थापित कर दिया है। और ये पूरी खाली जगह कर दी है, ताकि आप आराम से चारों तरफ घूम सको। और ये इतनी ऊंचाई पर टेम्पल है ना, तो ये हवा बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने की थोड़ी सी मस्ती। और यहाँ से ये है व्यू, देखिएगा कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ से ना विक्टोरिया लेक भी एकदम साफ साफ दिखता है, गुलाब की खेती भी होती है। और ये हमारा हॉल है, जहाँ पे हम लोग खाते हैं खाना मीन्स महाप्रसादम या भंडारा, जैसे कि अपने बनारस में हम लोग भंडारा कहते हैं। तो आज के भंडारे में था ना गुलाब जामुन, जो कि देख के ना मुँह में तो पानी आ गया, और सेवैयाँ भी थी। इसके बाद हम लोग निकले साईं टेंपल। तो ये हमारा दूसरा टिप है, साईं जी टेंपल और बालाजी टेंपल ना एक ही जगह पर है, बस बालाजी ना थोड़ा ऊंचाई पर है और साईं टेंपल जस्ट रोड के साइड में है। तो यहाँ आना काफ़ी इजी है, आप यहाँ के लोकल सवारी से भी आ सकते हो। और साईं टेंपल में जाने से पहले ना इन्होंने शू रैक रखा है और एक नल लगा रखा है, आप हाथ पैर धो के ही अंदर जा सकते हो। और ये हमारा साईं जी टेंपल है, ये अंदर का व्यू है, और यहाँ के काफ़ी शांति मिलती है। और ये जस्ट अब बगल में इन्होंने एक गणेश जी का टेंपल बनाया था, उसके बगल में इन्होंने एक साईं जी का टेंपल बनाया था, और यहाँ पर आई थिंक यज्ञ होते हैं। ये हमारे लेटे हुए साईं जी हैं। इसके बाद हम लोग ने यहाँ भी खाया महाप्रसादम, और यहाँ ना महाप्रसादम खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए ना यहाँ ने ये छोटा सा हॉल बना रखा है, और ऊपर से 3 शेड है, तो यहाँ पर हम आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं और बाहर का साथ में व्यू भी देख लेते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और ये भी बताएं कि युगांडा में आपको क्या देखना है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज़ बने रहिए।